hard to breathe, but that's alright. मेरे साथ ही बात करेगी, मेरे साथ ही रहेगी ना, तुम उससे किस भी कर
रहती हो और उसके साथ ज्यादा हैप्पी भी रहती हो और उसे हग भी करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बट वो तो लड़की है ना, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बट तुम लोग वो बिल देखते हो ना, तो तुम मुझे छोड़ के उससे भी प्यार कर सकती हो। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैं पागल जैसा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। प्लीज तुम जिमिना से दूर रहो। कितना प्यार करती हो तुम मुझसे। लव यू जंगकुक। डोंट वरी, मैं उसे कभी किस नहीं करूंगी। ओके, हैप्पी? यस, नाउ आई एम हैप्पी। थैंक यू दे, लव यू टू। मेरी बाहों को तेरी सांसों की जो आदत लगी है वैसी जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा। तन्नू लखा तो छुपा के रखा, रखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरिया। मैं जीना हा तेरा, तू जीना है। ये ड्रामा, इस सब में तुम घुसी रहो।
पढ़ाई बढ़ाई कुछ मत करो और अब महारानी यूट्यूब में लग गई। वाओ यार तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है लाइफ में थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट चलती है और मैं वो भी नहीं कर रही हूँ। तुमने कहा कि इंस्टाग्राम मत देखो, इंस्टाग्राम मत चलाओ, मैंने चलाया क्या? और तुम बोले कि रियल मत देखो, के ड्रामा मत देखो, उसे मैंने देखा क्या? बस अभी मैं BTS को प्यार करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे वो, इसीलिए मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग करती हूँ उनका, तो इसलिए मैं यूट्यूब चलाना चाहती हूँ, इसमें क्या बुराई है? देखो मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करना है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, मुझसे बात मत करो। यार जो चीज मुझे पसंद होता है वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं होता है? तुमने कहा जिमिना से बात मत करना, उससे दूर रहना, रात में किसी से बात मत करना, लड़कों से बात मत करना, लड़के फ्रेंड नहीं बनना चाहिए तुम्हारा, और के ड्रामा मत देखना, बीएल मत देखना, BTS से भी दूर रहना, मैंने सब कुछ सहा, और छोटे कपड़े मत पहनना, जहाँ जाओगी मुझे बता के जाना, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है मैं एक डॉल हूँ जो तुम्हारे इशारों में नाचूंगी? तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता, तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता, तुम्हें अच्छा ही क्या लगता है? मुझे बता दो तुम्हें क्या अच्छा लगता है। मैं तुम्हें पहले से ही बता दी थी कि मुझे रोक टोक पसंद नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारी बातों को मानी, मैं सब कुछ कर रही हूँ अभी तक, बट तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम ऊपर से मुझे और इशारे में नचा रहे हो, क्यों? और ऊपर से गुस्सा भी तुम ही कर रहे हो, और अभी तुम्हें पूछा कि मैं YouTube कर सकती हूँ, तुमने कहा कि नहीं YouTube भी मत करना, क्यों? मेरे ऊपर इतना सारा रेस्ट्रिक्शन क्यों है? पर देख मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए ही करता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छे के लिए? सीरियसली क्या अच्छा होता है मेरे साथ? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पिंजरे में बंद हूँ, क्यों करते हो मेरे साथ ये सब? और मेरे एक्स में और तुम में कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी मुझे जैसे जबरदस्ती सब कुछ करने के लिए बोल रहा था, तुम भी वही कर रहे हो क्या? मैं तुम्हारे एक्स के टाइप बिहेव कर रहा हूँ? सीरियसली मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ये सब बोल रहा हूँ और तुम खुद आके मुझे, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? यस तुम वैसे ही हो, तुम सारे लड़के वैसे ही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? ते वो क्या कर रहा था बोलो? ते कुछ भी नहीं कर रहा था, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, बाय। रुको ते, तुम्हें मेरा कसम है, सच सच बोलो कि वो क्या कर रहा था और तुम्हारे बीच क्या हुआ था? कुछ तो हुआ है तुम्हारे बीच, मुझे पहले से ही डाउट था। अगर तुम्हें मुझ पे डाउट है तो ब्रेकअप कर लो ना। देखो बातों को घुमाने की कोशिश भी मत करो, सच सच बोलो कि क्या हुआ था। मुझे उस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, और ये कसम मसम हटाओ। ते मैं कसम नहीं हटाने वाला हूँ, प्लीज तुम मुझे सच सच बोलो कि क्या हुआ था। मैं जब 8th क्लास में पढ़ रही थी तब एक लड़का हमारे क्लास में न्यू आया, उसका मेरे ऊपर क्रश था, बट मुझे वो सब बातें पता नहीं था। बट जब मैं क्लास 8 का एनुअल एग्जाम दे रही थी तब मुझे ये सब बातें पता चला। फिर वो और उसके दोस्त आके मुझे धमकाने लगे और बोले कि वो तुझसे प्यार करता है तो उसे हाँ बोल। फिर मैं बोली कि नहीं मुझे इस सब में नहीं जाना है, मुझे इसमें मत खींचो। बट हमारे एक सीनियर आके मुझे बोले कि अगर तू उससे हाँ नहीं बोलती है तो तेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है, तू खुद ही सोच ले। और उन्होंने मुझे एसिड फेंकने का भी बोला था, और वो लोग मुझे हमेशा परेशान भी कर रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे, मैं बहुत ज्यादा रो भी रही थी, बट ये सब बातें मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी। पर क्यों थे, तुम मम्मी को भी बोल सकती थी, तुम पापा को भी बोल सकती थी। हेलो माय आर्मी फ्रेंड्स, आज हमारी कुछ आर्मी फ्रेंड की बर्थडे है, और कल भी था और आगे आने भी वाला है, सो मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ हैप्पी बर्थडे, सारंगी टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योर एवरीडे। हेलो माय आर्मी फ्रेंड्स, सारंगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और लाइक से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो सब आपके लिए मुफ्त 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 है, कर देना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए।